अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस अकेडमी। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का लेक्चर कवर करेंगे और फर्स्ट ईयर के लेक्चर में हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ लाइट वो कंटिन्यू है और आज भी इंटरफेरेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम एक बटरफ्लाई को ऑब्जर्व करें तो बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हमें डिफरेंट कलर्स शो करते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि किस तरीके से एक सोप बबल जो बनता है वो डिफरेंट कलर्स को शो करता है। और इसी के साथ साथ आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि फुटपाथ के ऊपर अगर कुछ पानी वगैरह पड़ा हुआ है और उस पानी में थोड़ा सा ऑयल गिर जाए, जैसे कि बारिशों के अंदर बहुत ही कॉमन है, तो आप देखेंगे कि वो जो ऑयल पड़ा होगा पानी की सरफेस के ऊपर वो कलर्स शो करेगा। तो ये जो कलर्स शो हो रहे हैं बबल्स के थ्रू और डिफरेंट एंगल्स से बटरफ्लाई के विंग्स पे डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, फुटपाथ पे कलर नज़र आ रहा है ड्यू टू ऑयल एंड वाटर। तो याद रखिए इन सब का एक ही रीज़न है और वो है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता क्यों है, अब ज़रा इस बात को भी देख लेते हैं। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो यहाँ पे बनाया हुआ है कि ये है फुटपाथ वाली एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये है फुटपाथ की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ पानी, ठीक है ना, ये आ गया वाटर। और इसी तरीके से इससे ऊपर जो है वो ये जो है थिन फिल्म है ऑयल की जो कि पानी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है ना, ये हो गई ऑयल फिल्म। और इससे ऊपर जो है वो मौजूद थी एयर, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लाइट जो है यहाँ से आ रही है, ठीक है, वाइट लाइट, और फिर जब वो इस सरफेस से पहुँचेगी तो कुछ अमाउंट उस लाइट का हो जाएगा रिफ्रैक्ट यानी कि अंदर की तरफ चला जाएगा और कुछ हो जाएगा रिफ्लेक्ट बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल वो जो रिफ्लेक्ट होने वाली रे थी वो हो गई रे वन। अच्छा, अभी जो इंसिडेंट लाइट है उसी के ही दोनों हिस्से हैं, फिर ये वाली जो लाइट अंदर गई थी ऑयल के अंदर से ट्रेवल करती हुई फिर वाटर की सरफेस से टकरा कर वापस आई और वापस आने के बाद दोबारा से हमें मिली यहाँ पर एज अ रे टू। तो ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए दो ऐसी लाइट रेज होनी चाहिए जो सेम फेज में हो, ठीक है, कोहेरेंट हो, मोनोक्रोमेटिक हो। मतलब अब ये जो लाइट है वो एक ही लाइट है और उसी लाइट के दो पार्ट्स बने, जिस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर दो पार्ट्स बने थे विद द हेल्प ऑफ डबल स्लिट, और जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में दो पार्ट्स बने थे विद द हेल्प ऑफ कंपनसेटर एंड विद द हेल्प ऑफ बीम स्प्लिटर, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो थिन फिल्म है ऑयल की उसकी वजह से हमें मिल गए हैं दो हिस्से एक ही रे के, यानी कि दोनों कोहेरेंट तो होंगी, सेम फेज में होंगी। तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे ऊपर से तो हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे, डिफरेंट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आएंगे। तो वही जो असरात है जिसकी जो यही वो थिन फिल्म इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से आप बटरफ्लाई के विंग्स पे इस एंगल से डिफरेंट देखोगे, यहाँ से अलग कलर देखोगे, यहाँ से अलग देखोगे, क्योंकि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस हो रहा होगा। और इसी तरीके से सोप बबल्स के ऊपर डिफरेंट कलर्स का नज़र आना और जो मैंने एग्जाम्पल दी है यहाँ पे ऑयल ऑन वाटर सरफेस उस पर भी डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, तो याद रखिए वो है यही वाला असर यानी कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस। अच्छा, थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है फेस चेंज ऑफ 180 डिग्रीज, ठीक है। और जब ये आप फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री समझ जाओगे तो फिर आगे वाली जो डेरिवेशन है वो क्लियर हो पाएगी। फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री का क्या मतलब है, देखिए जब लाइट रे टकराती है तो लाइट रे आपको पता है ट्रांसवर्स है इन नेचर, सो वो जाके टकराएगी इस पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो ये जो N1 है ये है एयर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ अभी सिर्फ एक थिन फिल्म की ना, ये हो गई एयर फिल्म, ऊपर तो जो है ना एयर मौजूद है, मीडियम जो है ना रेयर मीडियम है, और नीचे मिसाल के तौर पे सोप बबल है यानी कि वाटर की सरफेस है कुछ, तो वाटर जो है वो एयर के लिहाज से डेंसर है, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। तो ये जो रे टकरा कर वापस जाती है थ्रू डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम से टकरा कर वापस जा रही है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट से मुराद ये है कि जिस पॉइंट पर अब ये क्रस्ट आ रहा था अब ट्रफ की बारी थी, लेकिन अगेन वहाँ पर क्रस्ट आ गया, और यही के ट्रफ की जगह पर जब क्रस्ट आ जाता है किसी वेव में तो इसी को कहते हैं फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री, यानी कि तमाम के तमाम वो पॉइंट जहाँ पे क्रस्ट होने चाहिए थे अब ट्रफ होंगे और जहाँ पे ट्रफ होने चाहिए थे वहाँ पे क्रस्ट होंगे, लेकिन कौन सी वेव में, रिफ्लेक्टेड वेव में। और ऐसा कब होता है, जब कोई भी वेव टकराए किसी डेंसर मीडियम से और टकराने के बाद वापस आए
तो उसमें फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री होता ही होता है, यानी कि तमाम के तमाम जो क्रस्ट हैं उनकी जगह पर ट्रफ आने लगता है और ट्रफ की जगह पे क्रस्ट आता है। अच्छा, जो रे अंदर गई वो सीधी की सीधी है, रिफ्लेक्टेड वेव बिल्कुल सीधी सीधी नीचे वापस आई, अंदर चली गई रिफ्लेक्ट होकर और फिर वो इस सरफेस से टकरा कर वापस आई। अब जाहिर सी बात है एन वन है तो ऊपर भी एयर मौजूद थी, तो यहाँ पर भी एयर ही मौजूद है, उसी एयर से टकरा कर ये वापस आ रही है। अच्छा, क्योंकि ये रे टकरा कर वापस आ रही है फ्रॉम रेयर मीडियम, क्योंकि एयर जो है वो हल्का मीडियम है पानी के लिहाज से, तो आप देखें आखिर में अगर एक क्रस्ट आ रहा था तो अब वो क्रस्ट का क्रस्ट ही वापस आ रहा है, ट्रफ नहीं बना वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई फेज चेंज नहीं हुआ, जिस फेज के अंदर जा रही थी रे उसी फेज के अंदर वो वापस आ गई। इसी वजह से यहाँ पे मेंशन भी है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो इन्वर्ट नहीं हुई है, क्योंकि वो किसी डेंसर मीडियम से टकरा कर नहीं आ रही है बल्कि वो रेयर मीडियम से टकरा कर वापस आ रही है। और फिर जब ये वापस यहाँ पर आएगी तो आप देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव वेव्स हैं वो तो इन्वर्ट कभी भी होती नहीं है, लेकिन अब सारी बात ये है फेज चेंज ऑफ 180 डिग्रीज होने की वजह से जहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना था, यानी कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट ने आना था, अब ये वाली जो वेव है, ये वाली जो वेव है इसमें तमाम क्रस्ट की जगह पर ट्रफ आएगा, यानी कि जिन पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पर अब कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि जहाँ एक्चुअली क्रस्ट को होना चाहिए था वहाँ पे ट्रफ होगा, और जब क्रस्ट पे ट्रफ लाई करेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस में कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिवर्स हो जाती हैं, और उसका वाहिद जो यहाँ पे रीज़न मैंने आपको समझाया वो ये है कि इन थिन फिल्म इंटरफेरेंस फेस चेंज आ जाता है 180 डिग्रीज का। ओके, तो वही बात यहाँ पर इस तरीके से समझ लेना है जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। जब आप नोट्स में लिखोगे, जब आप अपने पेपर में लिखोगे तो इसी तरीके से लिखोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स व्हेन लाइट वेव्स ट्रांसफर स्ट्राइक एट द बाउंड्री ऑफ द डेंसर मीडियम, तो क्रस्ट रिटर्न होती है एज अ ट्रफ एंड ट्रफ रिटर्न होती है एज अ क्रस्ट। इसी तरीके से लिखोगे देर इज़ अ चेंज इन इट्स फेज, फेज में चेंज आ जाता है कितने डिग्रीज का, 180 डिग्री का, ये अगर पार्ट डिफरेंस के लिहाज से, हाँ अगर पार्ट डिफरेंस के लिहाज से कहा जाए तो पार्ट डिफरेंस में हाफ लेमडा का फर्क आता है। अच्छा, जबकि जब वो स्ट्राइक करती है किसी रेयर मीडियम पे, यानी कि यहाँ पे जब स्ट्राइक कर रही थी तो जो क्रस्ट है वो क्रस्ट के तौर पे रिटर्न होती है, ट्रफ जो है वो ट्रफ के तौर पे रिटर्न होती है, यानी कि कोई चेंज नहीं होता फेस के अंदर। अच्छा जी, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज चेंज बाय अ फैक्टर, ये बात तो कन्फर्म है कि भाई बात ये कि जब भी लाइट एंटर करती है किसी और मीडियम में तो उसकी वेवलेंथ में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और फिर वो जो डिफरेंस है वो अभी मैं फॉर्मूले समझाता हूँ। तो अगर लेमडा उसकी असल वेवलेंथ थी लाइट की एयर के अंदर, ठीक है ना, तो लेमडा एन जो है वो वेवलेंथ होगी उस मीडियम के अंदर, और उस मीडियम का जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है एन के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो उनसे हम जो है वो उस मीडियम के अंदर वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेमडा एन उस मीडियम में जो भी वेवलेंथ है, लैम्डा एक्चुअल वेवलेंथ है और एन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जैसे कि आप लोगों को कुछ एग्जांपल तौर बता देता हूँ, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है, गिलास के लिए यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है 1.5 के, ठीक है ना, ताकि आप कभी यूज़ करो तो याद रहे। इसी तरीके से वाटर के लिए बराबर होता है 1.33 के लिए, एयर के लिए 1 होता है, गिलास के लिए 1.5 होता है, और वाटर के लिए होता है 1.33। तो अगर जो भी वेवलेंथ होगी, अगर फॉर एग्जांपल मुझे गिलास के अंदर मालूम करनी है तो मैं डिवाइड कराऊंगा 1.5 से, अगर जैसे वाटर के लिए डिवाइड करा वाटर के लिए वेवलेंथ चाहिए तो हम उसको डिवाइड कराएंगे 1.33 से। अच्छा जी, सब अब यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं इसी फिगर को। फॉर एग्जांपल ये इंसिडेंट रे जो है वो अंदर की तरफ गई तो उसके दो पार्ट हुए, एक रे वन वन के सीधी सीधी चली गई और यहाँ पे दूसरी रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस गई। तो बात ये कि जो रे वन और रे टू में पार्ट डिफरेंस होगा, याद रखिए उसमें रे टू ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा है, और कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा है, अगर गिलास प्लेट की थिकनेस बराबर है टी के तो एक मरतबा अंदर जाने वाला टी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर हुआ और एक मरतबा वापस आने वाला टी एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है रे टू ने, ठीक है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे कि वो जो है पार्ट डिफरेंस वो बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी के, ठीक है ना। ये समझना है कि जब अंदर गया तो एक्स्ट्रा फासला रे टू ने तय किया कितना टी, और फिर वापस आने में दोबारा से उसने टी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर लिया, तो दोनों रेज में जो पाथ का डिफरेंस होगा, रास्ते का फ़र्क होगा, वो टू टी के यानी कि ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ जो भी फिल्म है उसके बराबर होगा। अच्छा जी, तो फिर कंडीशन निकाल लेते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ड्यू टू द फेस चेंज ऑफ 180 डिग्री कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिवर्स हो जाती हैं। तो वैसे हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस एम लेमडा होता है, बट क्योंकि कंडीशन रिवर्स हो गई है तो
तो पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लिखेंगे एम प्लस हाफ लेमडा एन, लेमडा एन उस मीडियम के अंदर वेवलेंथ। ठीक है जी, तो पार्ट डिफरेंस अभी हमने कितना मालूम करा था, पार्ट डिफरेंस हमने 2t मालूम किया था, 2t पुट करा। नेक्स्ट हमने क्या करा कि लेमडा एन, लेमडा एन उस मीडियम के अंदर वेवलेंथ ही, जिसका फॉर्मूला मैंने बताया हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्चुअल वेवलेंथ को डिवाइड कराएंगे जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और फाइनली एक फॉर्मूला निकल सकता है 2tn बराबर आ जाएगा m प्लस हाफ लेमडा के। तो ये जो आपको कंडीशन नज़र आ रही है, ये है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरीके से कंडीशन फाइंड कर लेते हैं ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये भी आप दोबारा से लिखेंगे फेस चेंज 180 डिग्री का हुआ तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिवर्स हो जाती हैं। तो एक्चुअल जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होना चाहिए एम प्लस हाफ लेमडा एन, बट क्योंकि कंडीशन रिवर्स हो गई हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लिखेंगे पार्ट डिफरेंस एम लेमडा एन लेमडा, और फिर सबसे पहले पार्ट डिफरेंस की जगह पे 2t आया, लेमडा एन की जगह पे लेमडा डिवाइड बाय एन, और फिर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2tn बराबर आ जाएगा एम लेमडा के। लेकिन ये बात याद रखिए थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म क्यों कह रहे हैं इस बात पे भी एक याद रखना है आपने कि भाई थिन का वर्ड क्यों आ रहा है, हर लिक्विड सरफेस से ऐसा नहीं होता, सिर्फ उस लिक्विड की सरफेस से ऐसा होगा जिसमें जो फिल्म बनी हुई है यानी कि जो लिक्विड है उसकी जो थिकनेस है वो कंपेरेबल है हमारी जो वेवलेंथ है लाइट की, उससे कंपेरेबल होगा यानी कि बहुत छोटा होगा, तब जाके आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जो थिन फिल्म इंटरफेरेंस के तौर पर हमें नज़र आता है। वो ऐसी लिक्विड जिनकी फिल्म, वो फिल्म कहलाएंगे नहीं, वो कहलाएंगे लिक्विड का एक पोर्शन है जो कि अच्छा खासा बड़ा है, तो उससे आप थिन फिल्म इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं करोगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर सिर्फ एक गिलास जिसके अंदर पानी भरा हुआ है उसमें आप कभी भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस नहीं देखोगे, लेकिन सोप बबल में देखोगे क्योंकि सोप बबल की जो थिकनेस है वो कंपेरेबल है हमारी वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो दैट्स इट, आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर कोई कन्फ्यूजन है इस टॉपिक में तो लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।